लाइब्रेरी बिल्डिंग, टाइटल है आपकी लाइब्रेरी बिल्डिंग। अब इस लाइब्रेरी बिल्डिंग को, इस नंबर को अगर हम बनाने के लिए कोशिश करें, तो ये एक हम ना फिलहाल रीमॉडलिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग को वो करते हैं, डिलीट करते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है। तो आपके पास, मैंने नॉर्मली कहा था कि आपके पास तीन वॉल्यूम होता है डीडीसी में। पहला वॉल्यूम, ये बाद में भी हमने दिए हैं आपको, पहला वॉल्यूम आपका स्टैंडर्ड सब डिविजन, राइट। यहाँ पे सारे टेबल्स है, आप अगर देखोगे तो टेबल वन टेबल टू करके यहाँ पे दिया हुआ है, जो टेबल हम कल डिस्कस किए थे कुछ देर, और फर्स्ट टेबल का कुछ नंबर्स भी बिल किए थे। दिस इज अ टेबल, तो दीज आर द टेबल्स, ये टेबल वन है और ये टेबल टू है, इस तरीके से है। अगर हम दूसरे तरफ देखें, ये टेबल अगर है तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम है, जो शेड्यूल है। अब ये शेड्यूल में आपकी सारे मेन क्लासेस की समरीज हैं और सारे मेन क्लासेस दिया हुआ है, ऑल आर देयर। यहाँ देखो 000 से स्टार्ट हुआ है जनरलिटीज, उसके बाद 000 का सारे डिविशंस है, उनकी स्पेसिफिक क्लासेस हैं, और 001, 002, 011, ये सारे डिविशंस एक के बाद एक दिया हुआ है। सो शेड्यूल, शेड्यूल की नंबर और टेबल की नंबर में आप अगर डिफरेंस देखेंगे, तो टेबल का नंबर मैंने कल भी बताया था, सारे नंबर हाइफ़न से आ रहे हैं, और शेड्यूल की नंबर जो है वो बिना हाइफ़न के आ रहा है, थ्री डिजिट में आ रहा है हमेशा। उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है, जो वॉल्यूम थ्री इंडेक्स टू डीडीसी, ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की इंडेक्स है, और इंडेक्स एक्सेस करना बहुत ईजी है। जैसे हम डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते हैं कोई टर्मिनोलॉजी की, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें ढूंढना है। मान के चलो हमें लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एल से सर्च करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये तो ए चल रहा है, बिल्कुल लेमैन की तरह मैं कर रहा हूँ, मैं सीधे जाऊँगा एल में। अब यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो यहाँ देखिए लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी के नीचे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, एड, पोजीशंस, एरिया से भी कार्ड, असिस्टेंट पोजीशन, बोर्ड, बुक बाइंडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके नीचे देखो बिल्डिंग है, आप लाइब्रेरी तो नंबर है, लाइब्रेरी बिल्डिंग के नंबर आपको मिल गया, तीन नंबर मिला है, एक है 727.8, फिर दूसरा है 690.78, फिर फंक्शनल प्लानिंग में 022.3। आप प्रश्न ये होता है कि नंबर तो हमें मिल गए, अब इनमें तीनों नंबर में कौन सी नंबर हम लेना चाहेंगे। तीनों नंबर की डिफरेंट क्लास डिफरेंट है, एक है आपकी आर्किटेक्ट के अंदर, जब प्लानिंग आर्किटेक्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग तब आप ये नंबर लोगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग का नंबर ये लोगे, और फंक्शनल प्लानिंग माने लाइब्रेरी के अंदर किस तरीके से लाइब्रेरी बिल्डिंग को फंक्शनल करना है, लाइब्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में जब सोचना है या कोई बुक्स होगी तब ये नंबर को हम लेंगे 022.3। फिलहाल हमारे पास सिर्फ लाइब्रेरी बिल्डिंग का नंबर है, तो नॉर्मली लाइब्रेरी बिल्डिंग का अगर नंबर है तो नॉर्मली आर्किटेक्ट से आते हैं, लेकिन क्योंकि फिलहाल हम लोग लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास कर रहे थे और उस लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास के अंदर करने से फायदा ये होता है कि हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही उस नंबर को ढूंढने की कोशिश करेंगे फिलहाल, क्योंकि हम उतना डीपली एनालाइज नहीं करेंगे, हम एक क्लास कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर कोई अगर नंबर आ रहे हैं तो उनको लेंगे, इट इज फॉर द प्रैक्टिस इटसेल्फ। तो फंक्शनल प्लानिंग का नंबर है लाइब्रेरी बिल्डिंग, यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ बिल्डिंग, और इनका नंबर है 022.3। ये आपको इंडेक्स बता दिए, इंडेक्स की काम है आपको क्विकली नंबर बता देते हैं। अब आपको ये सीधे यहाँ पे आके 022.3
0.22.3 नहीं लिखना है, आपको लिखना है शेड्यूल में आएंगे, शेड्यूल में जाके आप उस पर्टिकुलर नंबर को देखेंगे, आप बिल्कुल 0.22 में आइए, 2.1, और ये है 0.2, मैं इसको ठीक करूँ और थोड़ा सा बढ़ा दूँ, 50% करूँ, ये देखिए 0.22 है फिजिकल प्लान लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। सो 0.22 के अंदर आप ये देखो, 0.1 लोकेशन एंड साइट, 0.3 है बिल्डिंग। जब आप क्रॉस चेक करोगे और यहाँ पे नंबर दिख जाएगा तब आप फाइनली यहाँ लिखोगे। सो कैसे सर्च करना है आप लोगों को पता हो गया कि हम इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स के थ्रू शेड्यूल में जाएंगे, इंडेक्स के तो नंबर देखेंगे लेकिन उस नंबर पे भरोसा नहीं करेंगे, हम शेड्यूल के अंदर जाएंगे और शेड्यूल की मेन क्लास में जाएंगे, 0.22.22.3 में जाएंगे, देखेंगे हाँ लाइब्रेरी बिल्डिंग लिखी है, तब उस नंबर को हम फाइनल नंबर मानेंगे, यही अप्रोच है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, डीडीसी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, बड़े सिंपल है। हम पहले चलते हैं इंडेक्स में, डी में चलते हैं फिलहाल, डेसिमल क्लासिफिकेशन, इनका नंबर है 0.25.431। बिल्कुल डिक्शनरी में जिस तरीके से सर्च करना है उसी तरीके से सर्च करना है हमें, और यहाँ पे नंबर देखना है, मगर ये नहीं है कि यही नंबर को आप लिखोगे। सो आप 0.25.43 में शेड्यूल में जाएंगे और क्रॉस चेक करेंगे ये नंबर सही है या नहीं। सो हम यहाँ पे पहुँचते हैं, 0.23 है, ये है 0.25, 0.25 के बाद हम 0.25.43 में जाएंगे, पहले 4.3 में, यहाँ देखो 4.3 जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद देखो 4.3.1 में डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, 0.25.431। फिर जाके जब ये कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे भी वही नंबर है, कोई कन्फ्यूशन नहीं है, तब जाके डीडीसी के नीचे 0.25.431 ये नंबर आ जाएगा। सो ये नंबर देते ही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दीज आर द नंबर ऑफ द टाइटल ऑफ ए बुक, कोलोन क्लासिफिकेशन। आप कोलोन क्लासिफिकेशन में आप देखोगे, आप उस तरीके से जैसे मैंने डीडीसी सर्च किया उस तरीके से सर्च कर सकते हो, लेकिन फायदा ये होता है कि जब आप एक नंबर सर्च करते हो तो आगे पीछे थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको दूसरे नंबर भी पता लग जाता है। यहाँ पे देखोगे आप 4.3.5 रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन, 4.3.5, राइट, 4.3.5। अदरवाइज आप वही फॉर्मूला करेंगे, सी में जाएंगे, आपको दिखा देते हैं दो, ये देखो कोलोन क्लासिफिकेशन सी, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू आर सर्चिंग कोलोन क्लासिफिकेशन, राइट, सो आप जब कोलोन क्लासिफिकेशन सर्च किए और वहां पे गए, देन यू फाइंड दैट दे आर ऑल्टरिंग यू, दे आर डाइवर्टिंग यू टू द रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन। सो दे आर, दिस इज बेसिकली सी रेफरेंस एंट्रीज कहते हैं इंडेक्स में। सो यहाँ पे देखो सी रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन, तो आपको दोबारा सर्च करना है रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार, तभी इस नंबर में आप पहुंच चुके। रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन 0.25.435, अब आप इंडेक्स शेड्यूल में जाके देखें 0.25.435 रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन। सो आप के मैं कोलोन क्लासिफिकेशन सीसी कोलोन क्लासिफिकेशन से मैं सर्च करने की कोशिश की, और जब मैं कोलोन क्लासिफिकेशन इंडेक्स में पहुंचा तो उन्होंने सी रेफरेंस सी करके बताया कि आप यह नंबर नहीं है, आप रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन में जाइए। तो मैं दोबारा रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन के तहत सर्च करना शुरू किया और यहाँ पे आके मुझे रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन की नंबर मिला 0.25.435। फिर मैं शेड्यूल में उस नंबर को एक बार क्रॉस चेक किया और मैं फाइनली यहाँ आके
02 5.435, यही नंबर ऐड किया लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ठीक। और उस लाइब्रेरी में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अच्छा, उसकी टाइटल है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए आप कैसे सर्च करोगे, मतलब नंबर बिल्ड करोगे, तो आप इंडेक्स में देखोगे कैटलॉगिंग। सो आप या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग भी दे सकते हो, तो कैटलॉगिंग देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, एक है लाइब्रेरी, एक है कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी एक बिगर टर्मिनोलॉजी है और कैटलॉगिंग थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो आप स्पेसिफिक में कॉन्सेंट्रेट करोगे कैटलॉगिंग में। सो यू जस्ट गो इन कैटलॉगिंग, तो सी ए टी ए जैसे होते हैं डिक्शनरी में, जैसे आप लोग सर्च करते हो कैटलॉगिंग, 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 ये देखिए जी, है ना, दो कैटलॉगिंग है। मैं बिल्कुल जैसे सर्च किया, जैसे वन बाय वन डिक्शनरी जैसे सर्च किया, इस तरीके से सर्च करना है और उस पर्टिकुलर नंबर में आना है। अब देखिए नंबर है सी लाइब्रेरी कैटलॉग, यस कैटलॉगिंग लाइब्रेरी साइंस, सी लाइब्रेरी कैटलॉग, राइट। यहाँ पे उन्होंने एक नंबर दिए है, ये है लाइब्रेरी कौन, लेकिन वहां मिल जाएगा हमें आसपास में। सो आप अगर बहुत जल्दी में हैं तो यहां जा सकते हैं, कर सकते हैं, अदरवाइज सी लाइब्रेरी कैटलॉग। तो आप क्या करोगे, फिर एल आई बी से सर्च करें। हमें लग रहा था कि कैटलॉगिंग से मिल जाएगा, लेकिन ना, उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी कैटलॉग से सर्च करो। सो मैं फिर दोबारा लाइब्रेरी में जा रहे हैं, देखो 31, सो 02 5.31, राइट, इट्स अ टोटल कैटलॉग, बट ये कैटलॉगिंग नहीं है, ये सिर्फ कैटलॉग है। यहाँ पे है कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन इंडेक्सिंग 3-4 में, राइट। सो आपको 3-4 इंडेक्स में जाके आपको मिल नहीं रहा था, आपको लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए आपको 3-1 तक मिला हुआ है। सो जब 3-1 मिला हुआ है, सो यू नीड टू सर्च, सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो आसपास आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद कैटलॉग क्लासिफिकेशन इंडेक्सिंग यहाँ पे देखें आप 3-4, सो विल टेक 02 5.34। तो मैडम आपकी जो नंबर है 02 5.34, आपने जो लाइब्रेरी में बुक्स देखा और बुक सर्च किया जिसमें क्लासिफिकेशन नंबर है, आप अगर क्लासिफिकेशन नंबर करने जा रहे हो तो आपका उस पर्टिकुलर किताब की नंबरिंग ऐसे बनाना है, कैटलॉगिंग नहीं है। तो हमें कन्फ्यूजन हुआ, फिर हमने सर्च करना शुरू किया और सर्च करने के बाद देखा नीचे कैटलॉगिंग का नंबर है 02 5.34, तो उसको लिखा। दैट मीन्स इंडेक्स हमेशा आपको एग्जैक्ट नंबर में नहीं भी पहुंचा सकते हैं, आपको करीब करीब किसी जगह पे छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, आपका काम है कि आपको एग्जैक्ट नंबर आसपास से ढूंढ लेना। ऑलरेडी इंडेक्सिंग में हम कैसे नंबरिंग करें, बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं 3-4 लूं या 4-8 लूं, दैट्स द क्वेश्चन। मतलब आप मुझसे ये कोशिश करोगे कि मैं कोई कॉन्क्रीट लॉजिक बताऊं कौन सी लेना है। अगर ये जनरल कॉन्सेप्ट है तो 3-4, जैसे अभी आपके पास जो टाइटल है लाइब्रेरी इंडेक्सिंग, इट्स अ कंप्लीट जनरल इंडेक्स, जनरल कॉन्सेप्ट, इट्स अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। सो आप क्या करोगे, आप सीधे 3-4 को ले सकते हो। बट अगर ये दैट कवर द लाइब्रेरी इंडेक्सिंग, बट जब सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होता है, दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग स्पेसिफिक टू अ सब्जेक्ट, तब आप इस नंबर को लोगे, जब सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बात होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, लाइब्रेरी इंडेक्सिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ना भी हो सकता है। सपोज आप न्यूज़पेपर की इंडेक्स बना रहे हो या आप जर्नल की इंडेक्स कर रहे हो, उसकी टाइटल इंडेक्स कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी इंडेक्स, बट सब्जेक्ट इंडेक्स इज ऑलवेज कंसर्न विद द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा ये नंबर लेना 070। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 070 सर्च हो गया, अब इनकी इंडेक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल 1 में चलते हैं, देखो इंडेक्स 016,
टेबल वन में, राइट? दिख रहा है 016? सो इस समय क्या करना होता है, आप सीधे यहाँ पे जाओगे, 016 लिख देनी है, तो आपका न्यूज़पेपर इंडेक्स का नंबर बन गया। लेकिन याद रखना, डॉट की लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ही अगर जीरो रहे, ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल रूल है, डॉट की लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ अगर जीरो रहे तो बैक जीरो आपको बंद कर देंगे, काट देंगे, तो आपका नंबर ये हो 070.16 जाएगा, 025.42। तो आप फिलहाल 025.42 को यूज करोगे, ये वो नंबर यूज नहीं करोगे। ये नंबर किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका नंबर है 025.42, दैट्स इट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया नंबर। फिर आते हैं रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस का नंबर इंडेक्स के थ्रू सर्च करोगे, और आप कुछ मिला नंबर 025.52 ये देखो, बिल्कुल सही, आप 025.52 में रेफरेंस सर्विस का नंबर है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। अगर इस टाइटल का नंबर होता, टाइटल होता, ये पहले कर लेते, 052, ये हो गया। अगर इस टाइटल का, ये टाइटल डिफरेंट होता, इंफॉर्मेशन सर्विस, तो इनका भी नंबर 025.52 होता। अब आते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अगर आप नंबर देखना चाहोगे तो बड़े सिंपल से नंबर है यहाँ पे, आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, तो आपको देखना है कहाँ से आपके नंबर लेना। रेडी एडवाइजरी सर्विस इंडिविजुअल ग्रुप क्लास हियर 54 बुक्स अदर मीडिया 524। सो हम ये है इंफॉर्मेशन सर्च एंड रिट्रीवल, डायरेक्ट नंबर है ना। सो हम इस नंबर को कर देते हैं 0025 0252 524 524 524 ये नंबर हो गया। ठीक जी सर, एक नंबर और है इसमें 025.04। यस, तो इसमें सर एक बात क्लियर कर दीजिए, 04 है ना, और एक बार बताना नंबर 025.04। ये लाइब्रेरी ऑपरेशन के अंदर टेक्निकल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज जनरेटर क्लास हियर कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन मैकेनाइज्ड स्टोरेज सर्च रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लाइब्रेरीज एंड अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्लास हियर क्लास इंफॉर्मेशन स्टोरेज 025.3 इंफॉर्मेशन सर्च एंड रिट्रीवल इन 025.24। दैट मींस ये कहता है कि इस पर्टिकुलर नंबर को जब मैकेनाइज प्रोसेस बताएगा तब आप यूज करना, अदरवाइज इन सिंपल सर्च, क्योंकि हमारा सिंपल नंबर है, उस सिंपल नंबर में आप इंफॉर्मेशन सर्च एंड रिट्रीवल के लिए ये कहता है कि 025.524 को ही लेना, राइट? तो ओके सर, हम नीचे वाले नंबर को प्रेफर करेंगे हमेशा। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है हमें, और हम कैसे पढ़ेंगे वो भी बताते हैं। फिलहाल ये क्लियर है ना। देन पब्लिक लाइब्रेरी, आप सीधे आए और इंडेक्स में सर्च कर सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, आप इंडेक्स में सर्च करके सीधे यहाँ आ सकते हैं। 027.4 हाँ, सो आप देखो यहाँ पे 027 है जनरल लाइब्रेरीज, उसके अंदर 0.4। सो हम अभी क्या करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी के नंबर यहाँ लिखेंगे हम 027.4।
पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी, आप फिर देखोगे वहां पे एकेडमिक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। ये तो जनरल लाइब्रेरीज हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरी कहाँ है, आप लोग बनाए हैं? यस सर, मैंने बनाया, बट कंफ्यूजन है, 0 to 7.7 और 0 to 7.8 दोनों एक स्कूल लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी। अच्छा, ये वाले जो नंबर है अगर आप 6 में देखते हो, ये है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी, 0 to 7.6 में। फिर आप तुरंत आते हो कि एकेडमिक लाइब्रेरी, सो एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो एट ए वन गो आपको अगर एकेडमिक लाइब्रेरी की देखना है, सो नॉर्मली हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एकेडमिक लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज ही मानते हैं, तो आप 0 to 7.7 को ले सकते हो, ये करेक्ट नंबर होगा। सो आप क्या करोगे, 0 to 7.7 एकेडमिक लाइब्रेरी हो गए, ठीक है। फिर स्पेशल लाइब्रेरीज आते हैं, ये किसने बनाया है, 0 to 7.823। अब आप चेक कर लेते हैं, 823 ये स्पेसिफिक लेवल और 8282 ये 823 कहां से लाए, सर यहीं पे दे रखा है 8232 8289 स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, माने स्पेशल लाइब्रेरीज है ना, लाइब्रेरीज इन चार्ज सपोर्टेड स्कूल। ये एकेडमिक लाइब्रेरी की डिफरेंट, जैसे गवर्नमेंट एडेड लाइब्रेरीज है, ट्रस्ट लाइब्रेरीज है, एकेडमिक लाइब्रेरी, उनका डिविशंस करना है। स्पेसिफिक लाइब्रेरीज अगर आप देखना है तो आपको स्पेशल लाइब्रेरीज की नंबर देना है। और ये गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हो गया, ये स्कूल लाइब्रेरीज हो गया, ये जनरल लाइब्रेरीज हो गया, और ये है लाइब्रेरीज डिवोटेड टू वेरियस स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इस नंबर को आप लोगे एज ए स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज फॉर स्पेसिफिक लाइब्रेरी 0 to 6, सिंपली आप 0 to 6 करोगे, 0 to 6। आप समझ गए हो क्यों मैं उस नंबर को नहीं ले रहा हूं जो नंबर आपने बताया, वो नंबर इस वजह से नहीं ले रहा हूं, वो बता रहा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी यहाँ पे आप लोगों ने बताया, यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज इन चार्ज सपोर्टेड स्कूल, सो ये सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर ट्रस्ट, गवर्नमेंट और एनीथिंग, कोई स्पेशल कैटेगरी एकेडमिक लाइब्रेरीज, तब उनको लेना है, बिकॉज दीज 8 इज स्पेसिफिकली फॉर द एकेडमिक लाइब्रेरीज, इस वजह से इनको नहीं लेंगे। नेक्स्ट टाइटल है लाइब्रेरी फर्नीचर, सो आप बनाए 0 to 2.9, तो 0 to 2 में हम जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी 0 to 2 है आपकी, 0 to 2 है फिजिकल प्लांट लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर, सो दिस इज बिल्डिंग लोकेशन एंड साइट, दिस इज बिल्डिंग, और आप 9 में आओगे तो आपने कौन सी नंबर बताया सर, ये 0.9 लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ हाँ, इक्विपमेंट फर्नीचर, यस 0 to 2.9, सो बिल्कुल करेक्ट नंबर, आप यहाँ पे 0 to 2.9 ये करेक्ट हो गया। देन इस्लामिज्म या मोहम्मदिज्म, इनका नंबर कैसे बनाएंगे, 297 सर, अदर रिलीजन में मिलेगा ना सर, हाँ, क्या नंबर बताया आपने, 297, तो हम सीधे 297 में पहुंचते हैं। हम इस नंबर को भी किस तरीके से सर्च करेंगे,
हम इंडेक्स के थ्रू सर्च करेंगे, इस्लाम 297, इस्लाम रिलीजियन, राइट। सो 297 डायरेक्ट नंबर आपका आ गया, 297। जैनिज्म के नंबर क्या है बताया आप लोगों ने? 294.4। बिल्कुल करेक्ट नंबर है, राइट। ये वैदिक रिलीजियन के अंदर ही आ जाएगा। देन क्रिश्चियनिटी के नंबर क्या बताया आपने? सर इसमें कंफ्यूजन है, मैंने 201 लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, यही होना चाहिए। गीता की नंबर क्या बनाया आपने? 294.592 स्पेस 4। 5924। फिर रामायण 294.592 यहाँ पे है, 2959। ये नंबर को हमें थोड़ा स्ट्रेच करो तो रामायण की नंबर है 5922। सो हम क्या करेंगे, 0294 कितना बताया, 5922। 5922 ये हो गया आपका रामायण की। कुरान की नंबर 297.122। ये फिर भी हम चेक करेंगे, हम कुरान में जाएंगे, ये है 297.122 कुरान।